आज भाई आपको जैसे कम्युनिटी पे बताया कि कोई चीज़ बाय की गई है, आप लोगों से पूछा था, मैंने बछड़ा होगा बछड़ी होगी माशाल्लाह, तो इस वजह से मैंने इसको बाय किया और खूबसूरती में जो है बेमिसाल दिल पे आने। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी भाई दांत भी मतलब फ्रेश ही हो रही होगी, दो दांत मज़ेदार, अभी तो भाई रेडी हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये बात तो स्लॉट्स नहीं है पलाएगी, तो मैंने एक ऐसा फार्म निकाला आपके लिए, कुर्बानी पल रही है और दो दांत माशाल्लाह माशाल्लाह। वे भी बात करूँ तो टूल प्लाजा से पहले ही आपने बस राइट पे कट लेना है और अंदर आपको अस्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे की मंडी में खुश आमदीद दोस्तों। आज भाई आपको जैसे कम्युनिटी पे बताया कि कोई चीज़ बाय की गई है, आप लोगों से पूछा था, मैंने बछड़ा होगा बछड़ी होगी या क्या होगा, तो भाई तीन माल पीछे भाई खुल के आ रहा है। वीडियो के एंड में इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे आपको, रिवील करेंगे भाई कौन सी चीज़ हमने बाय की है। अभी भाई आपने कमेंट सेक्शन में जो है गेस करना है, ए बी सी इन तीनों के नाम लिख देता हूँ भाई मैं, तो कमेंट सेक्शन में कोई भाई चिटिंग नहीं करेगा कि आखिर में पहले देख लिया फिर आके कमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर करना है। और बीच में भी हो सकता है मैं रिवील कर दूंगा भाई ये मेरा जानवर है, तो इंशाल्लाह ताला सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीन में से कोई एक मैंने बाय किया, अपने लिए किया है भाई, और क्या उसका स्टेटस है कुर्बानी के लिए है, वैसे है, तो इंशाल्लाह ताला एंड में सब डिस्कस करेंगे। बाकी अभी आपको इन लोगों का कलेक्शन दिखाते हैं आपको, मैं हूँ कहाँ पर, ये सारी डिटेल्स देता हूँ आपको, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो कंटिन्यू करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा कलेक्शन है। और ये बछड़े भी भाई बड़े बेहतरीन, सारे के सारी चीज़ें ना भाई बेहतरीन हुई हुई हैं, और देखते हैं ज़रा आगे इनका कलेक्शन भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, बहुत हसीन हसीन चीज़ें छुपा के भी रखी हुई हैं इन लोगों ने, और पलाई रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला शो करेंगे। बाकी इनमें से कौन सी बाएंगे कमेंट सेक्शन में, फेयर गेम खेलना है भाई, और फिर एंड में या बीच में इंशाल्लाह ताला मैं रिवील करूँगा। सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो लाजमी आज देखनी है। अच्छा दोस्तों, आज भाई कुर्बानी रेंज पे मौजूद हैं भाई, यहाँ पे कुछ कलेक्शन सेल का भी दिखाएंगे। असल भाई पलाई इनकी जो है ना जुहैर भाई की, माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम जुहैर भाई, कैसे हैं? ठीक है शुक्र भाई। जुहैर भाई की जो पलाई है माशाल्लाह, मैं खुद भी अगर ये बोलूँ कि फैन हो गया तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। जुहैर भाई अभी हम लोग रिजल्ट इसके बाद अलग बछड़े का दिखाएंगे, वो कितने टाइम का रिजल्ट है? एक साल का है, बछड़ा की दो दांत है, एक साल का खाली रिजल्ट है, और बहुत बेहतरीन 12 महीनों का रिजल्ट माशाल्लाह आया है ये। और अभी फॉर सेल पर है ये वाला? नहीं ये सेल पर नहीं है, ये पलाई पर है। आप लोग भी पलाई के लिए रब्ता कर सकते हैं, नीचे नंबर गिवन है, और कुछ कलेक्शन सेल का भी, वो भी इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे, और मैंने क्या बाय किया वो इंशाल्लाह ताला आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। अच्छा दोस्तों, ये भाई इनका एक बछड़ा भाई बड़ा ही शानदार, इसका बिफोर भी मैं ज़रा साइड में चलाऊँगा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बहुत ज़्यादा वाद्य चेंज आया है इस बछड़े में काफ़ी ज़्यादा। तो पलाई के लिए भाई मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा दूँगा कि पलाई के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, जैसे आपको पता भी है लोग मुझसे पूछ होते हैं कि आपके पास जगह है, तो मेरे पास तो अब स्लॉट्स नहीं है पलाई की, तो मैंने एक ऐसा फार्म निकाला आपके लिए कुर्बानी रेंज के, यहाँ पर आप लोग अपने जानवर रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी पलाई पर इंशाल्लाह ताला पलवा सकते हैं। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, मैं कोई इसमें ओवर हाइप नहीं कर रहा, आपके सामने जो चीज़ रिज़ल्ट है, साइड में बिफोर चल रहा होगा और आप लोगों को साथ में नज़र भी आ रहा है एक माशाल्लाह बछड़े में, अभी सिर्फ दांतों में दो हुआ है ये बछड़ा, और क्या बेहतरीन इसकी जो है पलाई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए इस बछड़े को, माशाल्लाह माशाल्लाह कुल लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। और ये पलाई रिजल्ट है, जुहैर भाई से बात करते हैं इस हवाले से भी। अच्छा मैंने कहा ज़रा शेड का ओवरव्यू पहले दे देते हैं, क्योंकि पलाई के हमने रिजल्ट एक तो दिखा दिया, अभी एक और दिखाएंगे आपको, मैं आपको बता भी दूंगा ना कौन सी बिक गई है बाबा इंशाल्लाह। तो हम लोग ज़रा बटन हो गया, ये पलाई भाई बछड़ियों का सेक्शन बनाया भाई, ये सब बछड़ियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सेल हो चुकी है। अच्छा ये पलाई पर आई हुई है भाई अभी इनके पास ही, और खीरी अभी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इनका बिफोर आफ्टर इन फ्यूचर आपको दिखाते रहेंगे। ये नुकरी है, ये भी ये खीरी है। अच्छा ये सेल पे भी खुल के आपको सही से दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। ये सेल हो चुकी है, ये हो चुकी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, 2025 तक जाएगी, 18 महीने की। और ये वाली क्या है? ये भी खीरी है, ये फॉर सेल है, इसको भी खोल के इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। और इसकी क्या अपडेट है? ये भी खीरी है, सही है, ये भी सेल हो चुकी है। और ये हमारे अपने मुनीब भाई की बछड़ी है भाई, मुनीब भाई का भाई, जुहैर भाई के साथ फार्म है मुनीब भाई से बड़े टाइम से। मुनीब भाई ने, अच्छा ये स्टोरी में आपको जब बछड़ी दिखी है मैं बताता हूँ, ये मुनीर भाई ने मुझे 2 साल पहले कहा था, आपको 2 साल पहले कहा था मुझसे, उन्होंने 6 महीने से मुझे बोल रहे हैं कि इस टाइप की कोई चीज मुझे निकाल के दो, और फाइनली उनको ये चीज मिल गई है। ये सेल की नहीं है भाई, ये मुनीब भाई की खुद ही बछड़ी है, और ये वो खुद ही इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में कुर्बानी करेंगे। अच्छा 25 में होगी माशाल्लाह, उनके लिए बिल्कुल तोहफा ही है, ऐसी है, बड़े नसीब से उनको मिली है मैं समझता हूँ ये चीज, ऐसी है। और बाकी ये शेड है भाई, ये पेंट चल रहा है, काम चल रहा है, अच्छा आज छुट्टी है, सही हो गया माशाल्लाह।
सही 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने। हाँ बिल्कुल ये फॉर सेल की है पंजाब, ये फॉर सेल की। अच्छा पंजाब से आई है, बिल्कुल अभी अभी आई है। सही, और ये क्या है? ये सेल हो गई है, पलाई पर है। पलाई पे। अच्छा अभी पलाई पे जो है कितनी स्लॉट्स हमारे पास मजीद होंगी? तकरीबन 30-35 हैं। 30-35 अभी और है माशाल्लाह माशाल्लाह। सही, और ये बच्चों का क्या स्टेटस है? ये बच्चे जो है ये दो जो है अभी हम पालेंगे खुद। अच्छा खुद पालेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देख यार माशाल्लाह, ये अब मेरी अपनी गाय की बच्ची है। अच्छा 6 महीने इसकी उम्र है माशाल्लाह। अगर ये किसी को चाहिए होगी तो ये मिल जाए। डन हो गया माशाल्लाह। और पलाई के लिए मैं बोलता हूँ कि इतना प्यारा रिजल्ट इन्होंने अपना शो किया भाई। और बच्चे अगर किसी को वैसे चाहिए नहीं नहीं सही हो गया, ये भी भाई आप बाय कर सकते हैं। अच्छा ये तीन भी सेल किए हैं बच्चे, 60-60 हज़ार। अच्छा कीमत बता दी आपने, कीमत बता दी है ये भाई रखे हैं। सही हो गया चले माशाल्लाह। अच्छा जुहैर भाई ये बताएं कि पलाई के पैकेजेस हमारे पास क्या हैं? पलाई के तीन तरीके के पैकेज है। अगर 5 मंथ से वजन में अंदर है बछड़ा आपका मीट वेट में तो हम ले रहे हैं 30,000 रुपए। 30,000 रुपए हम उसको सीजन का तेल भी देंगे और घी भी देंगे। सही है। और 5 मंथ से ऊपर है तो उसके 35,000 रुपए ले रहे हैं। सही है। और जो एक पैकेज है हमारा स्पेशल पैकेज वो 40,000 का है, उसमें हम मक्खन दूध वूध सब देंगे सीजन अच्छा, के साथ। अच्छा माशाल्लाह पूरा तैयार करके पूरा पैक फुल पैकेज है। सही हो गया। अच्छा जो हमने अभी रिजल्ट दिखाया था पहले वो किस पे पला है कुछ आइडिया? पहले 30,000 रुपए पले थे, अब ये 40,000 रुपए पलेंगे इस साल में। अभी तो 30,000 रुपए आपको रिजल्ट है, सितंबर से 40,000 रुपए पलेंगे। अच्छा माशाल्लाह अभी तक भाई ये 30,000 वाला रिजल्ट आपको दिखाया गया है माशाल्लाह से। तो अभी एक और रिजल्ट दिखाते हैं फिर सेल का माल इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा भाई एक और बिफोर आफ्टर भाई, ये भी पूरे साल का आपको बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ। ये भी 30 के पलाई, ये भी 30,000 वाली पलाई पे भाई पला और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भाई रिजल्ट आया है भाई इसका भी। दो दाद अभी है और माशाल्लाह से जो है ना बेहतरीन अपना इसका बिफोर चल रहा होगा, आप लोग देख भी सकते हैं। तो क्या बात है भाई इस बछड़े की भी। और पलाई रिजल्ट मुझे बड़ा पसंद आया, मैं अपने अलावा भाई अगर रिकमेंड करूँ कहीं जगह पर ना तो वो कुर्बानी रेंज को करूँगा इस वक्त, क्योंकि माशाल्लाह जो रिज़ल्ट ये दिखा रहे हैं भाई असल चीज़ रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे भाई रिज़ल्ट भी है और मुनीब भाई से जो है भाई काफ़ी टाइम से एक बातचीत और ऐसा माहौल है उनसे, तो मैं इसको रिकमेंड फुली रिकमेंड है मेरी तरफ से भाई कि आप लोग आएँ लाजमी विज़िट करें। पलाई पे भी अच्छे जानवर हैं क्योंकि मेरे पास सच्ची पूछें स्लॉट्स नहीं, अक्सर लोग पूछ भी रहते हैं कि हमारा रख लें तो अब शायद अगर निकली हुई तो 2-3 ही निकलेंगी। तो उसके अलावा भाई ये ऑप्शन आपके पास बड़ा मज़ेदार सा एक ऑप्शन है और अच्छी पलाई हो रही है। अभी एक साल और पलेंगे बछड़े तो क्या ही इंशाल्लाह ताला बनेंगे। अच्छा जो शुरू में जुहैर भाई इसकी जो चल रही है ना बिफोर की तो उसमें तो ऐसा लग रहा है एक नॉर्मल सा कट्टू का जो जानवर होता है नस्ल आपके सामने नहीं, अब तो लग रहा है जो पुरानी एक पिक्चर दिख रही है और वीडियो दिख रही है उसके में तो लग रहा है कि सब यही बोलते थे भाई ये कट्टू है। अच्छा चलो पलेगा तो फिर देखेंगे। अच्छा आपने ये बोल दिया था पहले माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस जो है काफी ज्यादा भाई, हमें भी भाई जितना सीखने को मिले आपसे वो कम है। और पहले गोट फार्म भी माशाल्लाह, गोट फार्म है घर पे वो तो। अच्छा माशाल्लाह तो वो भी जरा ना एक कुर्बानी के लिए देख लीजिएगा मेरे लिए बकरा कोई बाबा इंशाल्लाह। चलें आप जरा फॉर सेल का माल दिखा दें। अच्छा भाई ये फॉर सेल की बछड़ी है भाई एक माशाल्लाह, अभी खीरेपन में आप वजूद चेक करें बछड़ी का, बहुत हसीन है यार माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और जिसको बोलते हैं ना क्या बेहतरीन भाई इसका खूबसूरती और अभी खीरेपन में ये वजूद माशाल्लाह से। अभी कितने महीने की होगी फिर भाई ये? तीन चार महीने में अभी दांत, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भाई दांत भी मतलब फ्रेश ही हो रही होगी। दो दांत भाई ईद पड़ना, जरा आगे चलाओ बछड़ी को माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वही मैं देख रहा हूँ कि बेहतरीन भाई एक चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत हसीन खूबसूरती में भी लाजवाब और वजन के हिसाब से भी मज़ेदार सी बछड़ी। तो एक पालने के अतबार से अगर आप चीज़ देखें ना तो काफ़ी बेहतरीन, और आप ज़रूर रब्ता करें मैं समझता हूँ इसके लिए इंशाल्लाह ताला पौधा बनना नसीब की बात है ये। लेकिन ये कि जी जी वो नहीं है, ये चोलिस्तानी में माशाल्लाह ये ब्रीड में और वो दिख ही रहा है, वो लोगों को भी माशाल्लाह समझ है। और क्या बात है यार, और अभी मेरे ख्याल में 18-19 महीने की है, बाईस तेईस महीने की है, 2 साल के आसपास ही है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती में है माशाल्लाह। अच्छा भाई उसी की बहन ही लग रही है माशाल्लाह से ये भी, ये लेकिन हाँ कम है उम्र में। ये कितनी अभी कच्ची खीरी है? तो ये अभी मेरे ख्याल में 17-16 अच्छा 20 महीने की माशाल्लाह भी है इस वक्त, और बहुत खूबसूरती में माशाल्लाह साफ जिल की और बड़ी खूबसूरत नुकली भाई। ये भी चोलिस्तानी ब्रीड में आ रही है माशाल्लाह से। और ये इसके कद के अतबार से अगर बात करें तो मुझे लग रहा है ये कद और ऊपर लेके जाएगी इंशाल्लाह ताला। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल लग रहा है वो तो, और बहुत खूबसूरती में है भाई और दांतों में भी खीरी कच्ची खीरी। आप इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह देखो तो।
हाँ नहीं नहीं बिल्कुल वो नज़र ही आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़रें बस से बचाए भाई, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भाई एक चीज़ है। तो अच्छा मुनीब भाई अब ज़रा ना ऑडियंस का बस बड़ा ना वो ना हो जाए, फिर नाराज़ ना हो जाए ज़रा, तो चलते हैं ज़रा अपने जानवर की तरफ भाई। अच्छा भाई ये एक चीज़ भाई मैंने बाय की है भाई, और अच्छा भाई एक तो भाई मुनीब भाई से जब मेरी बात हुई ना कि यार ये चीज़ मुनीब भाई मुझे चाहिए, अच्छा भाई इसकी दो वजूहत हैं एक तो लेने की ना, जहर भाई मैं आपको भी अब बताता हूँ कि एक तो ये है कि इसका मैंने बिफोर भी देखा है, बिल्कुल छोटा बच्चा था, जो इसकी प्रोग्रेस जा रही है माशाल्लाह भी, मेरे हमें 16-17 महीने का इस वक्त ये है, तो इस साल की कुर्बानी पे लगेगा, अभी कुछ डिसाइड नहीं है सेल करने का इरादा होगा क्या होगा, लेकिन अभी सिर्फ बाय किया है मैंने इसको, और आपको बताया गया है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके पास अभी आया, ये पहले कहीं और था, लेकिन इसको बाय करने की जो मुनीब भाई से वजह है भाई वो सिंपली बस यही है कि और जहर भाई से कि मुझे इसका बिफोर भी पता है और सब कुछ सारी चीज़ें जो अपने सामने हुई हुई है ना, तो ये इसलिए इसका ग्रोथ फैक्टर पता है कि भाई कहाँ पर है माशाल्लाह, तो इस वजह से मैंने इसको बाय किया, और खूबसूरती में जो है बेमिसाल दिल पे आने वाला बच्चा, लेकिन भाई मुनीब भाई ने एक टर्म्स एंड कंडीशंस हमें ये दिया है वो आपको ज़रा बताते चलते हैं कि ये कुर्बानी रेंज पे ही पलाई इसकी होगी, ये नूरी पर नहीं जाएगा। मैंने कहा चलें क्योंकि उनकी भी एक बचपन से उन्होंने ख़रीदा हुआ, उनकी एक अटैचमेंट अलग है इस बछड़े से, हम अब जाहिर सी बात है मैंने मुझे दो दिन हुए हैं बाय किए हुए, मेरा एक दिल है कि भाई मैं इसको अपने पास ही रख लूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो रिज़ल्ट देखे तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ भाई यहाँ पर भी, नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा सेटिस्फाइड भी हूँ कि भाई एक बछड़ा अच्छी जगह मेरा पलेगा, कोई मसला वाली बात नहीं है, और हम आते भी रहेंगे इसी बहाने, और ये है कि कुर्बान जो मेरे कस्टमर्स हैं जैसे अब जो आएंगे इंशाल्लाह ताला पलाई पर, तो भाई उनके साथ भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी एक रब्ता बना रहे ताकि ना, तो इंशाल्लाह ताला ये एक भाई यहीं पर ही मेरा बछड़ा जो है ये पलेगा इंशाल्लाह ताला, और फिर रमज़ानों के बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको उठाएंगे, दो महीने तो एटलीस्ट हम भी शॉप करेंगे ना देखें इंशाल्लाह, तो बस अभी कुछ नहीं डिसाइडेड कि भाई सेल करेंगे या फिर इसकी कुर्बानी करेंगे, तो मैंने एक चीज़ भाई बाय की है, दुआओं में याद रखिएगा, उसका नाम क्या रखें ज़रूर बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, बछड़ा आपके सामने है माशाल्लाह इसकी अगर ब्यूटी फेस ब्यूटी पर जो दिल आया था ना। अच्छा फेस ब्यूटी पे जो बात है ना भाई इस बछड़े की, एक तरफ आप देखो आँखें इसकी और अब दूसरी तरफ जो है चश्मा पहना हुआ और कान जो है भाई काले, तो ये चीज़ें भाई कुछ थी जो कि भाई समझ आई बछड़े पे माशाल्लाह माशाल्लाह, और मस्ती में भी मज़ेदार, अभी तो भाई रेडी हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई मेरा बछड़ा है मस्ती ना करे भाई ऐसा हो नहीं सकता ना भाई, तो ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका नाम क्या रखें ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह ताला, इनको भाई कम कम ही दिखाया करेंगे ऑब्वियस सी बात है महीने में एक दफ़ा, और लेकिन ये है कि अभी अपने ही है माशाल्लाह, और देखें क्या होता है, लास्ट टाइम बादल बाय किया था पाइनियर कैटल फार्म से, इस दफ़ा कुर्बानी रेंज से ये बछड़ा बाय किया, इसका नाम क्या रखेंगे अभी डिसाइडेड नहीं है, कुर्बानी का भी कोई इरादा मैं नहीं करता अपने जानवर पे शुरू में ही ना, तो इंशाल्लाह आगे देखें क्या बनता है। अच्छा भाई ये दो बिग जाइंट्स माशाल्लाह से भाई कुर्बानी रेंज पे पलाई पर है माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कहा ज़रा दिखाऊं भाई कि ये कैटेगरी भी माशाल्लाह से भाई पल रही है, और दो दांत माशाल्लाह माशाल्लाह वे भी दोनों हैं, तो जब ये तैयार होंगे तो क्या ही निकलेंगे इंशाल्लाह ताला मज़ीद, और ज़रा भाई मैंने कहा दिखाते हुए इंशाल्लाह ताला वीडियो का एंड करते हैं, बस कुछ थोड़ा सा चला के दिखाओ ज़रा दोनों को माशाल्लाह माशाल्लाह, वो वाला भी लेके जाओ ज़रा माशाल्लाह से भाई क्या बात है, अंदर ले जाओ दोनों को माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, दोनों बछड़े आपके सामने हैं वजूद में, और बस अब एंड में ज़रा लोकेशन आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो आने में। अच्छा दोस्तों तो भाई लोकेशन की अगर बात करूँ तो टूल प्लाजा से पहले ही आपने बस राइट पे कट लेना है, और अंदर आपको अस्करी 4 का एक बैनर दिखेगा, मैंने अस्करी सिक्स है बैनर दिखेगा आपको, और आपका अपना जो है आपको वीडियो भी मैंने शो की है, उसके बाद बस थोड़ा सा आगे जाके आपने राइट लेना है और इनकी लोकेशन बिल्कुल आ जाएगी, हाईवे से बिल्कुल कनेक्टेड ही, और टूल से पहले ही कट आपने लेना है, मैंने कहा लोकेशन भी बड़ी ईजी सी, आप लोग आसाम से विजिट भी कर सकते हैं, और बाकी नंबर चल रहा है आप रब्ता पिन लोकेशन भी ले सकते हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे बछड़े का नाम ज़रा सजेस्ट करिएगा, और बस यही है कि क्या नाम रखें, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इसको दोबारा दिखाएंगे क्या प्रोग्रेस में जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे ताकि प्रोग्रेस भी नज़र आती रहे, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, अल्लाह हाफिज़।